विश्व एड्स दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर के तत्वावधान में आज प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौरी कुमारी की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन पर्यावरण प्रेमी त्रिपुरारी जा ने किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी गौरी कुमारी, जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह, डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार एवं थाना अध्यक्ष विजय शंकर शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी गौरी कुमारी ने कहा कि एड्स अनुमूलन हेतु युवाओं को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के संक्रमण को रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार ने एड्स बीमारी एवं बचाव से संबंधित सभी आयामों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस बीमारी में शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, जिस कारण अनेकों प्रकार के रोग से लोग ग्रसित हो जाते हैं। अंत इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाना चाहिए। बता दें कि इस अवसर पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए। जैसे बहुत खराब बीमारी है और इसके तीन चार कारण होते हैं होने को, वो आप लोग को पता होगा, डॉक्टर साहब डिटेल से बताएंगे, मेरे पास सभी समय नहीं है। पहला कारण है कि वो इंजेक्शन वाला, कि एक ही वैक्सीन से कई लोगों को अगर पड़ जाता है उससे हो सकता है। डेंटिस्ट क्या रिगार्डिंग हो सकता है, इसका डेंटिस्ट के यहाँ भी इसका हो सकता है, क्योंकि एक ही इंजेक्शन उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उससे भी कई लोगों को होता है, तो जब तक स्टरलाइज नहीं होगा प्रॉपरली। बड़ा बाबू, लाल बाबू, सर और सारे तमाम लोग जो इसमें शिरकत कर रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। और इस क्लब को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि दो रोज से ये प्रेरित कर रहे हैं। हम चूंकि स्वास्थ्य विभाग से हैं और उससे पहले ये तैयार थे कि सब वहाँ एक कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग अभी वीडियो मैडम चर्चा कर रहे हैं कि पेंडेमिक कोरोना का, तो ये भी एक पेंडेमिक बीमारी है जिसको कि एड्स के नाम से जाना जाता है। जीरो जो हमारे विभाग में भी उसका जांच हमेशा चल रहा है, चाहे वो महिला इंटीग्रेशन की जा रही हो या फिर वैसे पेशेंट जो हमारे ओपीडी में आ रहा है जिनको कि हमेशा से वेट लॉस हो रहा है, हमेशा से फीवर रह रहा है, हमेशा से वो बीमार रह रहे हैं, हमेशा वो कमजोर रह रहे हैं, उनका भी चाहे टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो ऐसे अवसर पर बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का जागरूकता लोगों के बीच में होना चाहिए। हम लोग जिस परिवेश में है वहाँ पे जागरूकता बहुत जरूरी है, युवाओं के बीच में जागरूकता होना चाहिए। तो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा और स्वस्थ थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मैडम जैसा चर्चा कर रही थी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, एड्स से पीड़ित है, उनका ब्लड अगर किसी को चढ़ा दिया जाए तो वो पीड़ित हो सकता है। वैसे व्यक्ति जो कि ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, कौन उससे ये ग्रसित है कौन नहीं है इसकी जानकारी हमें नहीं होती, तो एक इंजेक्शन से भी अगर बात। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।